हिंदू युवा शक्ति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने मॉडल ममता राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लहुराबीर के चेतनगंज थाने तक का निकाला जुलूस। यहाँ पर बताते चले, मॉडल और वर्तमान साड़ी घर की ब्रांड एम्बेसडर ममता राय के पोस्टर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दरअसल देखा जा रहा है कि मॉडल ममता राय के पोस्टर पूरे शहर में लगे हुए हैं। इस पोस्टर पर शिवलिंग है और ऊपर लिखा हुआ है मैं काशी हूं और नीचे ममता राय, जिसके बाद पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू युवा शक्ति के लोग भी पोस्टर को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। रविवार को चेतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुराबीर में ममता राय के पोस्टर को लेकर हिंदू युवा शक्ति व अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सैकड़ों की संख्या में ममता राय मुर्दाबाद का नारा लगाया, चेतगंज थाने पर निकाली रैली। बताया जा रहा है कि इसके पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ युवा संगठन के राष्ट्रीय मंत्री विक्रांत सिंह ने आपत्ति जताई थी, जिसमें बाद हिंदू युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय कांति ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वो बनारसी में किसी दूसरे शहर से आकर बसी हैं, जिसको वाराणसी की सभ्यता और संस्कृति का पता नहीं है। उन्होंने बिना समझे ये पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिया है। काशी एक धार्मिक नगरी है। वहीं सोशल मीडिया की बात करें तो इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हिंदू युवा शक्ति के निर्भय कांति व शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ, ने कहा कि बेतुका कपड़े पहनते हुए सिगरेट व शराब का सेवन करने वाली एक मॉडल महिला कैसे अपने आप को काशी का बता सकती है। ममता राय अपनी इस हरकत हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य रूप से प्रवीण दुबे, कार्यालय संरक्षक विक्रांत सिंह, शेर बहादुर सिंह, किरण देवी, रवि सिंह, भूपेंद्र सिंह, वंदना सिंह, भोला सिंह, दीपक सिंह, रणवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रोशन सिंह क्रांतिकारी, नितेश सिंह, रोहित सिंह छात्र नेता, विवेक सिंह, अनुराग सिंह ब्लॉक प्रमुख पलहना, पंकज सिंह, तेज बहादुर सिंह, दिग्विजय सिंह, प्रियवंदना सिंह, शुभम सिंह, अजीत पांडे समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वाराणसी से शैलेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। वंदना जी, आज चेतगंज थाने पे आई है, क्या मामला है? यहाँ पर एक मॉडल ममता राय है, जो अश्लील वीडियो बनाती है, धूम्रपान करते हुए वीडियो बनाती है, और छोटी बात कहती है मैं काशी, साथ में महादेव का भी चित्र लगाएंगे, शिवलिंग का भी चित्र लगाएंगे। ये पूरी तरह से काशी की छवि को धूमिल कर रही है और यहाँ के धार्मिक भावना को भी व्यक्त कर रही है। इसके अतिरिक्त वो काशी की महिलाओं को कहती हैं कि ये पैसा देकर के सम्मान लेती हैं, पैसा देकर के सम्मान लेती हैं और लुढ़की हुई है, मतलब बिल्कुल अनर्गल भाषा का प्रयोग। इसके बाद हम दिवाली के ऊपर 26/11 जहाँ भी पूरा भारत अंधकार दिवस अज्ञात दिन मनाता है, ऐसे में इंटेंसली 26/11 उनका नंबर लेना, अपनी गाड़ी का कहीं ना कहीं उनके संदिग्ध विचारधारा को प्रदर्शित करता है। इसके खिलाफ जब आपत्ति की गई तो महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत सिंह जी को वो खुल के सोशल मीडिया पर धमकी देती है कि जान से मार देंगे, उसको मार देंगे, तो कहीं जान का भी खतरा हो गया है उनसे अश्लील के साथ। तो आज लोग जगदन चौराहे से लेकर चेतगंज थाने पर आ रहे हैं, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? उनका कहना है कि जब एक मुकदमा दर्ज हो चुका है हो जाएंगे, आपसे एप्लीकेशन वही भेज दिया। तो क्या मांग करती हैं आप? पहली बात तो उनकी गिरफ्तारी हो क्योंकि बहुत लोगों को जानते हैं उनकी गाड़ी सीज, क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर जो इंटेंशनली उन्होंने लिया है मुझे 26/11 वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है और उसकी जाँच। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? आंदोलन
अच्छी का अपमान है, इसकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। यहाँ से एक हस्तियाँ निकली, काशी नरेश ने कभी नहीं कहा मैं काशी हूँ, मालवीय जी ने कभी नहीं कहा मैं काशी हूँ, मीरा देवी सितारा देवी किसी ने नहीं कहा, सबने कहा हम काशी के वासी हैं और धन्य है और ये कहती है कि मैं काशी हूँ, भव्य काशी भव्य काशी की छवि को धूमिल कर दिया। मैं किरण सिंह, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा युवा की जिला प्रभारी हूँ वाराणसी जिले से। किरण जी, आज चेतगंज थाने पे क्या हुआ? चेतगंज थाने पे जो है कि हमें राजस्व के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसको तज्ञान में लेकर के 3 दिन का समय दे रहे हैं, अपने अधिकारियों से बात करेंगे, बात करने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी हम जरूर से उसको आगे बढ़ा देंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसको और व्यापक रूप देकर के फिर से आएंगे, हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। आगे आप लोग की तरफ से क्या क्या रणनीति अपनाई जाएगी? वो 3 दिन के बाद रिजल्ट जो आएगा उसके ऊपर निर्णय लेंगे हम, उसके पहले हम नहीं लेंगे। बता दें, मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। आज चेतगंज थाने पे क्यों आए आप लोग? आज हम लोग चेतगंज थाने पे ममता राय के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि ममता राय ने मैं काशी हूँ लिख के बैनर पोस्टर पे लगाया था, इसके कारण हम लोगों ने आपत्ति जताई तो वो पूरे काशी समाज को बद्दी बद्दी लाइव होके गालियां दी और इससे पूरी काशीवासी पूरा समाज एकत्रित होके, सारी महिलाएं एकत्रित होके वो आज चेतगंज आई है, एप्लीकेशन दी है, इसका जांच हो रहा है। क्या कहा इंस्पेक्टर ने? इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा कि मैं आपकी एप्लीकेशन लेके इस पे जांच करूंगा और जांच में जो तक पाए गए उसके ममता राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? कार्रवाई नहीं होती है तो हम कमिश्नरेट जाएंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे और उनके खिलाफ अगर हमको मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हो तो लखनऊ जाके मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ममता राय अपने आप को, पहला तो ममता राय से ये पूछना चाहता हूँ कि ममता राय हैं कहाँ की, किस धर्म की हैं, किस जाति की हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, क्योंकि वो बता रही हैं कि जौनपुर से आई हैं और बनारस में रहती हैं और मिर्जापुर से फर्जी दस्तावेज लगा के मिर्जापुर से गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पहले तो उनके सारे दस्तावेजों का जाँच होना चाहिए, उनके आधार कार्ड पर जौनपुर का पता है, वो रहती बनारस में है, गाड़ी नंबर 5,000 रुपये दे के 2611 बुक कराती है, वो 2611 जो भारत के लिए सबसे बड़ा काला दिवस है। आपको कैसे मालूम कि 5,000 रुपये दे के नंबर बुक है? हम लोगों ने पता किया है, उसमें जो बुक हुआ है उसका पूरा सबूत है कि वो 5,000 रुपये में 2611 बुक हुआ, VIP नंबर है वो 2611। नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ का रहने वाला है उसी एड्रेस से वो गाड़ी ले सकता है, या जहाँ जहाँ से वो गाड़ी लेता है उस एड्रेस पे उसका पता होना चाहिए तभी वो गाड़ी ले सकता है। आगे थाना है, इंस्पेक्टर साहब ने ये हमसे कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच होके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मैं हिंदू युवा शक्ति से संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्भय सिंह, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को खुद कहने में यह बात बहुत शर्म आ रही है कि कहने के लिए तो हम लोगों की सरकार है, लेकिन आज ऐसी महिला जो कि अपने गाड़ी का नंबर 2611 रखती हो और पेटा तस्वीर उसके जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे वीडियो देखेंगे जो कि आप अपने घरों में परिवार के साथ में आप नहीं देख पाएंगे, आपको अपना मोबाइल बंद करना पड़ जाएगा, और ऐसी औरत बड़े बड़े बैनरों पे लिखती है कि मैं काशी हूँ, यह हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और जो फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पे खुलेआम गाली देती हो, और वो इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कौन, इतने महान लोग थे जिन्होंने उसको अपने नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का इतना बड़ा काम किया, ये ऐसे लोग धन्य है। और सबसे बड़ी बात कि जब तक इस औरत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक उनके खिलाफ में बनारस के, काशी के हर थाने पे धीरे धीरे इसी तरह से मुकदमा लिखा जाएगा। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि ऐसी महिला का जो तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जो आप सभी मीडिया कर्मियों से मैं पूछना चाहूँगा, भाइयों से, कि आप खुद बताएं कि 2611 को हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं, काला दिवस है ना ये, और जो महिला 2611 का नंबर अपने गाड़ी पे लेके चले, ये आप सोच सकते हैं कि उसकी मानसिकता किस तरह से हो सकती है आज। और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा का पास लगा के खुलेआम अपनी गाड़ी पे चल रही है, जैसे ये कौन से लोग हैं जिनका
जिनका संरक्षण उसको प्राप्त है, तो ऐसी महिला को तुरंत जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रशासन से मांग है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन का हम लोगों को भरपूर सहयोग मिलेगा। ठीक है, आज यहाँ क्यों आए आप लोग? हम लोग आए हैं, जैसा कि आपको पता होगा विगत दिनों से दिनों से चल रहा है ममता राय, यहाँ के राजा जो यहाँ की नहीं पाए काशी, यहाँ का जितने बड़े बड़े लोग थे कोई काशी नहीं का, आम जनमानस कोई नहीं करता अगर मुकदमा नहीं होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर 19 का निर्देश है कि पूरे हिंदुस्तान में जो 19 प्रदेश में हमारा संगठन चल रहा है हर जिला में उनके खिलाफ मुकदमा कराने का धरना प्रस्तुत करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व महाकाशी के नाम से जो हमारा विख्यात है उनको बदनाम करने का काम किया गया। ऐसे ममता राज का मैं बहुत काम करता हूँ।